ग्राफिक्स के माध्यम से जानकारी देते हैं। ये बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं। 8 जनवरी को जहां मामले नए वहां पर 6411 थे और संक्रमण दर 2.9% थी, लेकिन अगर बात 15 जनवरी को करें उत्तर प्रदेश में तो 15795 मामले सामने आए, संक्रमण दर 6.1% हो गई। अब 21 जनवरी की आपको जानकारी दे रहे हैं जहां 16142 मामले सामने आए, 6.69% संक्रमण दर हो गई। ये आंकड़े हैं जो साफ बता रहे हैं कि इस वक्त क्या स्थितियां हैं। बात पंजाब की करें जहां पर चुनाव होने हैं तो पंजाब का आंकड़ा भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। 8 जनवरी को नए मरीज 3643 सामने आए, संक्रमण दर 13.9% रही, तो 15 जनवरी को यह आंकड़ा बढ़ गया और 6843 रहा। संक्रमण दर में भी इजाफा हुआ 18.8% रहा। 21 जनवरी की अगर बात करें तो 7696 सामने आए नए संक्रमित, वहीं संक्रमण दर 17.4% रही। ये पंजाब का हाल है। ये वो चुनावी राज्य हैं जहां पर चुनाव होने वाले हैं, बस कुछ महीना बाकी है। 14 फरवरी को उत्तराखंड में भी पहले चरण के लिए, यानी कहें कि सारे चरणों के लिए मतदान शुरू हो रहे हैं। ऐसे में वहां पर संक्रमण क्या है, 8 जनवरी को 1560 था नए मरीजों का आंकड़ा, संक्रमण 0.4% दर थी। 15 जनवरी को यह आंकड़ा 3000 पहुंचा, 3838 नए संक्रमित मिले और 12.4% संक्रमण दर हुई। 21 जनवरी की अगर बात करें तो 4964 मामले नए मरीजों के सामने आए और संक्रमण दर 16.05% रही। ये है उत्तराखंड का आंकड़ा। ये तीन ऐसे राज्य, उसके बाद बात गोवा की करें तो वहां नए मरीजों का आंकड़ा 8 जनवरी को 1789 था, संक्रमण दर 23.3% थी, तो 15 जनवरी को यह आंकड़ा 3274 रहा और संक्रमण दर 38.2% रही। 21 जनवरी को आंकड़ा भले कम हुआ है 2668